says Leopard. मेरे प्यारे दोस्त, वाइल्ड लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बेहद रोमांचक होने वाला है, इसे आखिर तक देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा अगर दुनिया का सबसे खतरनाक शेर कहे जाने वाला पहाड़ी शेर कुगर का सामना दुनिया के सबसे फुर्तीले तेज शिकारी जीव लेपर्ड से हो जाए? तो क्या होगा, कौन होगा इनमें सबसे तेज और किसका वार पड़ेगा किस पर भारी, हम जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना समय गवाए आइए चलते हैं जंगल की इस दुनिया के एक बेहतरीन फाइट की तरफ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्यूमा, पहाड़ी शेर और माउंटेन लायन के नाम से फेमस कुगर की। ये मांसाहारी जीव नॉर्थ और साउथ अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाली बिल्लियों में जगुआर के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इसका साइंटिफिक नाम प्यूमा कुंकलर है। इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी कुगर को न धारने की वजह से बड़े बिल्लियों के परिवार से नहीं माना जाता। ये सिर्फ फिश और मैव करने में ही सक्षम है। बात इनके शारीरिक विशेषताओं की करे तो ये जीव सर से पूंछ तक 7.9 फीट लंबे और इनका शोल्डर 2.8 फीट ऊंचा होता है। इनका एवरेज वेट 53 से 100 किलोग्राम के बीच नापा गया है। इसका शरीर काफी ज्यादा मस्कुलर होता है। इनका रंग तामनी रेड से डार्क ब्राउन कलर तक देखा गया है। इनके कान काफी छोटे और घुमावदार होते हैं। अपने 60 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ये जानवर 6 मीटर लंबी छलांग लगाता है तो वाकई में वो पल देखने लायक होता है। अमेरिका के बाकी जंगली जानवरों के मुकाबले कुगर सबसे ज्यादा इलाके पर अपना जन जीवन सम्मिलित करता है। कुगर पहाड़ी क्षेत्रों में रहना पसंद करता है। अपनी कुछ खास एबिलिटीज के कारण ये मैदानी क्षेत्र में भी रहने की काबिलियत रखते हैं। मेरे मेरे दोस्तों, ये इतने नीडर और ताकतवर होते हैं कि जरूरत पड़ने पर भालू जैसे विशाल काय जीव से भी भिड़ जाते हैं। अपने शिकार को 350 पीएसआई की बाइट फोर्स से दो हिस्सों में फाड़ देते हैं। वैसे तो इनका दिमाग लेपर्ड से साइज में काफी बड़ा होता है, मगर इंटेलिजेंट के मामले में ये दोनों जानवर एक समान ही है। अपने बेहद शक्तिशाली पैरों के कारण ये बड़े से बड़े पेड़ पर आसानी से चढ़ जाते हैं। अगर बात इनके खान पान की करे तो ये काफी चतुर शिकारी माने जाते हैं। ये अपनी शिकार पर घात लगाकर मारने में बेहद एक्सपर्ट है। वैसे इनका कोई खास दुश्मन नहीं है। इसका कारण ये किसी भी छोटे से लेकर बड़े जानवर तक को अपना भोजन बनाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते। ये अनुमान इंसानों पर अटैक नहीं करते, बस इन्हें इंसानों से कोई खतरा महसूस ना हो। ये दोनों वक्त यानी रात और दिन के उजाले में भी शिकार करने में माहिर है और एक दिन में 7 से 8 किलोग्राम मांस खाने की कैपेसिटी रखते हैं। इनकी आयु 15 से 18 वर्ष तक होती है। मेरे मेरे दोस्तों, वही दूसरी तरफ बात करें लेपर्ड की तो ये पैंथर के वंश से ताल्लुक रखने वाली बिल्लियों की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। इसका साइंटिफिक नाम पैंथेरा ब्रदर्स है। काफी गोपनीय चालाकी से शिकार करने के कारण लेपर्ड को एनिमल किंगडम का सबसे क्रूर शिकारी कहा जाता है। बात अगर इनकी फिजिकल विशेषताओं की करें तो लंबाई में 6 से 7 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन 60 से 90 किलोग्राम के आसपास होता है। ये दोनों शिकारी जानवर वजन में काफी सिमिलर होते हैं, लेकिन कुगर लंबाई के मामले में लेपर्ड से थोड़ा सा बड़ा होता है। दिखने में जीव छोटे पैरों के साथ लंबे शरीर का होता है। इसका सिर और ताकतवर जबड़ों का मसल इन्हें अपने शिकार के लिए किसी मौत से कम नहीं बनाती। मेरे मेरे दोस्त, 2019 साल आते आते इनकी संख्या में भारी गिरावट देखी गई, जो 73% तक कम हो गई। हालांकि इनके कुछ बचे हुए अंश आज भी अफ्रीका, ईरान और हिमालय में आज भी जीवित है। वही कुछ एशिया, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और कोरियन में देखने को मिल सकते हैं। लेपर्ड की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, जो अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर दबोचने के लिए काफी है। ये काफी अच्छे दौड़ाक माने जाते हैं। इनके मसल्स ढंग से ठीक कुगर के मुकाबले काफी अधिक होती है। इसके कारण ये पेड़ों पर हवा की तरह चढ़ जाते हैं। वैसे तो अक्सर ये रात में शिकार करते पाए जाते हैं, परंतु मौका मिलने पर
दिन में भी ये उतने ही खतरनाक साबित होते हैं। इनके शिकार करने का तरीका भी इनकी तरह अलग है। ये पहले सब्र रखते हुए शिकार की हरकत पर नजर रखते हैं और फिर मौका पाते ही जोरदार जबड़ों की बदौलत एक ही वार में शिकार को मौत के घाट उतार देते हैं। जंगली इलाकों में रहने की वजह से इनका कोई मन पसंद शिकार नहीं है। पेट में चूहे दौड़ने पर किसी भी जानवर को दबोच लेते हैं। यहाँ तक कि ये इतने गुस्सेल होते हैं कि दूसरे लेपर्ड से मरते दम तक लड़ने से पीछे नहीं हटते। इनकी आयु 12 से 17 साल तक की होती है। मेरे प्यारे दोस्त, ये रही इन दोनों खतरनाक जानवरों की विशेषताएं। अगर बात हम इन दोनों के बीच में किसी एक विनर की करें तो हमारे हिसाब से ये दोनों ही युद्ध ताकत के मामले में काफी इक्वल है। हालांकि लेपर्ड काफी फुर्तीला और एग्रेसिव और बेहद डेंजरस होता है और जंगलों में रहने की वजह से उसे रोजाना अपनों से भी ज्यादा शिकारी जानवरों से जूझना पड़ता है। इसके कारण वह एक बेहतरीन हंटर है। वहीं दूसरी तरफ कूगर की बाइट फोर्स लेपर्ड से काफी ज्यादा है और इसका वजन भी उसे ताकत प्रदान करता है। इसके कारण हमारी नजर में 60% चांसेस कूगर के होंगे और 40% चांसेस लेपर्ड के। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। खैर, इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। मिल